कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि आज बैठक के लिए निर्णय के अनुसार अभी रात का कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा, बल्कि रात्रि 10 बजे के बाद होटल, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि वर्तमान हालातों को देखते हुए विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं कोचिंग क्लासेस को आधे स्टूडेंट को ही बैठाने की इजाज़त दी जाएगी। वहीं मास्क लगाने को लेकर सख्ती बरती जाएगी। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि आज हुए निर्णयों को राज्य सरकार को भी भेजा जाएगा। राज्य सरकार से अनुमोदन मिलने के बाद ही उक्त निर्णय को लागू किया जाएगा। बड़े आयोजन भी होते हैं, ज़्यादा संख्या में जिनमें लोग शामिल होते हैं, चाहे वो राजनीतिक आयोजन हो, पारिवारिक आयोजन हो या फिर किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन। वो है क्या आईजी साहब से वो तो, या मनीष बोला ना? हाँ, क्या बड़े आयोजन इसमें जो हमारे अंतिम क्रिया के कार्य होते हैं जैसे शव यात्रा, उसके बारे में निर्णय हुआ है कि उसकी संख्या को भी तय किया जाए कि कम से कम लोग जाएं और मुक्ति धाम में कम लोग प्रवेश करें, उसके बारे में भी तय हुआ है। शादी जो अभी हो रही हैं उसके बारे में भी तय हुआ है कि संख्या एक निर्धारित की जाए राज्य शासन के अनुमोदन के पश्चात इन सब और उनकी सहमति के साथ इन सबको लागू किया। सर, होटल में कितने सभी प्रोग्राम जिसमें एक संख्या रहती है उनके बारे में चर्चा की गई है और जो भी निर्णय होगा वो एक आदेश के माध्यम से आप लोगों को सूचित करेंगे। सर, होटल को लेकर क्या तय जो अभी चर्चा हुई है, चूंकि उस चर्चा को अभी हम लागू राज्य शासन की अनुमति के पश्चात करेंगे, इसलिए एग्जैक्ट टाइम मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि उसमें बदलाव भी संभव है, पर यह चर्चा हुई है और हम जो हमारी कमेटी है उसकी जो अनुशंसा है भेज रहे हैं। मास्क को लेकर सख्ती करेंगे सर, अभी तक से नहीं। जी, मास्क के बारे में भी फाइन की भी राशि 200 रुपये तय हुई है, उसकी जो नहीं लगाएंगे आज से लागू नहीं करेंगे, एक दो दिन उसमें जन जागरण होगा, लोगों को इसमें वो किया जाएगा और उसके पास लागू करेंगे। एक मिनट, मैंने कहा ना अभी चर्चा जो हुई है वो ये कि जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स जहां लोग भोजन करते हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है, परंतु अन्य गतिविधियों पर किसी पर रोक नहीं लगेगी। नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा, परंतु कुछ समय पश्चात अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है तो इस बारे में राज्य शासन की सहमति से, जिले को यह अधिकार नहीं है कि नाइट कर्फ्यू स्वयं लगाए, अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आएगी तो यह फैसला किया जाएगा। मनीष से पूछो ना। तो और लगभग हम 10 से 12 हज़ार वैक्सीनेशन अपना जिला प्रशासन प्रतिदिन कर पा रहा है जो बहुत उल्लेखनीय है, परंतु पॉपुलेशन भी अपनी बड़ी है और सरकार के अब निर्देश है कि 60 से ऊपर के सभी लोग और 45 से ऊपर के कोमॉर्बिडिटी वाले जो हमारे लोग हैं उनको वैक्सीनेशन कराना है। इस संबंध में मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें। वैसे हमारे सभी सेशन में लोग आ रहे हैं, अभी कुछ NGOs भी इसमें जुड़े हैं, हम भी जन जागरण करेंगे कि ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि जितना वैक्सीनेशन होगा साइकिल उतना जल्दी टूटेगा। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी स्वयं के परिवार में भी और जनता में भी आप मीडिया के माध्यम से मैसेज दें कि वैक्सीनेशन के लिए और अधिक लोग आए। अभी 10-12 हज़ार पर डे है, यह संख्या और बढ़ेगी तो जल्दी हम लोग एक हार्ड इम्यूनिटी या साइकिल तोड़ने की स्थिति में आएंगे। थैंक यू। बड़े क्षेत्रों में जो कार्यक्रम नए नए हो रहे हैं, जिनकी शादी विवाह एक बार आवश्यक कार्यक्रम में आता है, तो बहुत सारे कार्यक्रम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक इस तरह के होते हैं जो आवश्यक कार्यक्रम में नहीं आते, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। जितने भी धार्मिक, ये बहुत सारी कथाएं चल रही हैं जिलों में, इन सबको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे बिल्कुल। ये अभी स्थगित रहेंगे सब, आगे अग्रित होते हैं तो कंट्रोल नहीं होता है और लोगों को सतर्क भी होना पड़ेगा। हम लोग ये सब चीज़ कर रहे हैं जनता के हित के लिए और जनता को समझना पड़ेगा ये कि अवेयरनेस सभी में है, मास्क की उसको लगाना ही पड़ेगा। इसका बचाव केवल मास्क के हो सकता है। जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, हम लोग जैसे इस समय 60+ और 45 से 59 जो कोमॉर्बिड है उनके लिए ट्राई कर रही है, 60% लोग वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना का स्ट्रेन अलग अलग फॉर्म में आता रहेगा, ये इसलिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से बचाव होता है इसका। और
जो खाने पीने की दुकानों में जो भीड़ हो रही है इसको नियंत्रण के लिए रात में 10 बजे का एक निर्णय हुआ है, वो हम लोग गवर्नमेंट को भेजेंगे अभी, और गवर्नमेंट से सहमति मिलने पे ही उसको प्रभावी किया जाएगा। उसको अभी 10th और 12th के लिए CBSE के निर्णय है ऑफलाइन एग्जाम का, इसलिए उसके बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे, किंतु 9th और 11th तो ऑनलाइन का हम लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है, ऑर्डर भी किया हुआ है कि स्कूल जो ऑफलाइन पेरेंट्स यही भेजना चाहते हैं उनको ऑनलाइन एग्जाम लें। 1st से 8th भी अभी ऑनलाइन ही चल रही है, इसलिए उसमें केवल इशू है 10th और 12th का जो CBSE के केंद्र लेवल से है वो, उसके बारे में अभी जिला स्तर से हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। पर ये जरूर है कि लोगों को सतर्क होना पड़ेगा, स्थिति पुनः काफ़ी ज़्यादा जो बराज की स्थिति है और जो यहाँ जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से हॉस्पिटल्स में भी लोगों की भर्ती हो रहे हैं इस समय, उसमें देखते हुए सभी को सतर्क होने की जरूरत है। प्रशासन भी सख्ती करेगा और थोड़ी सतर्कता अगर जनता रख लेगी तो किसी प्रकार की भी लॉकडाउन टाइप की स्थिति निर्मित नहीं होगी, और अगर इसको लापरवाही की जनता ने जो हम लोग बोल रहे हैं अगर नहीं उसको उन्होंने समझा सुना तो स्थिति और ख़राब हो सकती है। महाराष्ट्र के शहरों में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई है, उससे बचने के लिए सब सख्ती करना जरूरी है, लोगों को सतर्क करना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, जो एज ग्रुप में वैक्सीनेशन का आपने बोला है उसमें वैक्सीनेशन कराना जरूरी है, ये सब चीज़ों को पालन करना और एनफोर्समेंट करना हम लोगों के लिए आवश्यक हो गया है। देखिए लोगों को सतर्क होना पड़ेगा अब, और सख्ती भी करेंगे हम लोग अब, और चाहे रेस्टोरेंट हो चाहे ओपन एरिया से कार्यक्रम हो, बड़े क्षेत्रों में जो कार्यक्रम नए नए हो रहे हैं जिनकी शादी विवाह एक बार आवश्यक कार्यक्रम में आता है, किंतु बहुत सारे कार्यक्रम सामाजिक धार्मिक राजनीतिक इस तरह के होते हैं जो आवश्यक कार्यक्रम में नहीं आते हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। जितने भी धार्मिक ये बहुत सारी कथाएँ चल रही हैं जिलों में, इन सबको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे बिल्कुल, ये अभी स्थगित रहेंगे सब, आगे सब जब अग्रिम समय तक तो कंट्रोल नहीं होता है, और लोगों को सतर्क भी होना पड़ेगा। हम लोग ये सब चीज़ कर रहे हैं जनता के हित के लिए, और जनता को समझना पड़ेगा ये कि अवेयरनेस सभी में है मास्क की, उसको लगाना ही पड़ेगा उनको, इसका बचाव केवल मास्क के हो सकता है। जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, हम लोग जैसे इस समय 60+ और 45 से 59 जो कोमोर्बिड हैं उनके लिए ड्राइव चल रही है, 107% लोग वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना का स्ट्रेन अलग अलग फॉर्म में आता रहेगा ये, इसलिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से सब बचाव होता है इसका। और जो खाने पीने की दुकानों में जो भीड़ हो रही है इसको नियंत्रण के लिए रात में 10 बजे का एक निर्णय हुआ है, वो हम लोग गवर्नमेंट को भेजेंगे अभी, और गवर्नमेंट से सहमति मिलने पर ही उसको प्रभावशील किया जाएगा। उसको कोचिंग क्लासेस, रेस्टोरेंट्स और होटल्स की जो 50% कैपेसिटी की बात थी, 50% की कैपेसिटी को भी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाएगा। अगर कहीं रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी ज़्यादा चलता पाया जाएगा उसको सील किया जाएगा, उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं 50 अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी भर के चल रही है, जो इन्फॉर्मेशन कई जगह हम लोग आई, कई लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि कई 15 वर्ष से नीचे के बच्चों को भी इसमें कोरोना होना पाया गया है, बच्चों को भी काफ़ी हो रहा है, उससे बच्चों को असर भले कम हो पर उनके पेरेंट्स उसका असर पड़ता है। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें सख्ती से इन्फोर्समेंट भी किया जाएगा इस सब में। अभी 10th और 12th के लिए CBSE के निर्णय हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम का, इसलिए उसके बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे, किंतु 9th और 11th तो ऑनलाइन का हम लोगों ने ऑप्शन दिया ही हुआ है, ऑर्डर भी किया हुआ है कि स्कूल जो ऑफलाइन पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम लें। 1st से 8th भी अभी ऑनलाइन ही चल रही है, इसलिए उसमें केवल इशू है 10th और 12th का जो CBSE के केंद्र लेवल से है वो, उसके बारे में अभी जिला स्तर से हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। पर ये ज़रूर है कि लोगों को सतर्क होना पड़ेगा, स्थिति पुनः काफ़ी ज़्यादा जो बराज की स्थिति है और जो यहाँ जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से हॉस्पिटल्स में भी लोगों की भर्ती हो रहे हैं इस समय, तो उसमें देखते हुए सभी को सतर्क होने की ज़रूरत है। प्रशासन भी सख्ती करेगा और थोड़ी सतर्कता अगर जनता रख लेगी तो किसी प्रकार की भी लॉकडाउन टाइप की स्थिति निर्मित नहीं होगी, और अगर इसको लापरवाही की जनता ने जो हम लोग बोल रहे हैं अगर नहीं उसको उन्होंने समझा सुना तो स्थिति और ख़राब हो सकती है। महाराष्ट्र के कुछ शहरों में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई है, उससे बचने के लिए सब सख्ती करना जरूरी है, लोगों को सतर्क रहना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, जो एज ग्रुप में वैक्सीनेशन का उन्होंने बोला है उसमें वैक्सीनेशन कराना जरूरी है, इन सब चीज़ों को पालन करना और एनफोर्समेंट करना हम लोग लिए आवश्यक हो गया है। आज जो भी निर्णय हुए हैं इनको अभी हम रात में ही होम डिपार्टमेंट भेज रहे हैं, जैसे ही वहाँ से क्लियरेंस मिलेगा हम लोग उसको जारी कर देंगे, उसको बात करके सही कराएंगे। अच्छा, एक वैक्सीनेशन पे मैं निवेदन करना पाऊँगा, एक चीज़ बताना भी चाहूँगा
कि इंदौर शहर में 56 कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, 50 अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी भर के चल रही है, जो इन्फॉर्मेशन कई जगह हम लोग आई, कई लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि कई 15 से वर्ष से नीचे के बच्चों को भी इसमें कोरोना। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।